अल्लाह फरमाते हैं हम मक्का फतह होने से पहले वाले लोगों को जिस रेट पर नेकी का आजर देंगे, मक्का फतह होने के बाद जो लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए उनका वो रेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? कलमा तो दोनों का बराबर है। कहा फतह से पहले जो ईमान लाए थे उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने चीजों को हाथ नहीं लगाया, उन्होंने जायके नहीं चखे, उन्होंने सूंघा नहीं है इनको, उन्होंने फतुहात को, माले गनीमतों को, लौंडियों को, गुलामों को अपनी आंखों से नहीं देखा, पकड़ा नहीं है। उन्होंने कहा हमारे नबी ने कह दिया, हमारे रब का हुक्म है, हम अपने हिस्से का काम करेंगे, दुनिया में कुछ मिले तब भी ठीक है, ना मिले तब भी ठीक है। ये वो लोग हैं 100% अपने रब पर तवक्कल करके उसकी रजा के लिए काम करने वाले, इनका रेट ज्यादा होगा। और जिन्होंने देखा अल्लाह के फतह हो गए, मद्दे मुकाबल दुश्मन कोई नहीं बचा, गनीमतें आ रही हैं, नौकरियां मिल रही हैं, जॉब्स के दरवाजे खुल गए हैं, माल बढ़ रहा है, कहा उनको भी अजर देंगे लेकिन रेट बराबर नहीं होगा। अल्लाह का फैसला, कलमा बराबर है, कबूल करने का वक्त बराबर नहीं था, कलमा बराबर है, तासर रिस्पांस देने का मौका बराबर नहीं था। ऐसे ही मौका मिलता है लेकिन जो बंदा अपने वक्त पर कैसे भी हो राजी रहता है उसका वो वक्त भी अल्लाह गुजार ही देता है।